क्या करने के लिए? कुछ बालक और कुछ बालिकाएं जो है स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं प्रणमन्ति। क्या है? कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, क्या कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, जहां पर ध्वज फहराया जाता है उस समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः उत्साह पूर्वक जाते हैं और आपस में मिलते हैं। क्या? कुछ लड़के और कुछ लड़कियां इसमें उत्साह पूर्वक ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण समारोह में जाते हैं और आपस में मिलते हैं। देवेश, उनमें से एक लड़का जो है उसका नाम क्या है? देवेश। उनमें से एक लड़के का नाम है देवेश। देवेश क्या बोलता है? देवेश जो है वो बोलता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। उनमें से एक लड़का जो है कौन? देवेश। वो बोलता है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो हैं वो क्या करेंगे? ध्वजारोहणम, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्रगण जो है वो कल्चरल प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करेंगे। क्या बोला उन्होंने? देवेश ने बोला अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या करेंगे? ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो हैं वो ध्वज फहराएंगे। छात्रास्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो विद्यालय विद्यार्थी गण हैं, जो छात्र हैं, वो क्या करेंगे? कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, हाँ कल्चरल प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, और छात्रगण जो हैं, विद्यार्थी गण जो हैं, वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसे प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में सभी को लड्डू बांटे जाएंगे या अंत में सभी को लड्डू मिलेंगे। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा, अब डेविड बोलता है सुचे जानसि तुम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अब उनमें से सुचि जो है वो डेविड जो है वो सुचि से पूछता है, दूसरा बच्चा उसका नाम क्या है? डेविड है। और डेविड सुचि से पूछता है जानसि तुम, क्या तुम जानती हो? जानसि तुम सुचि, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? ठीक है, अब उनमें से एक बच्चा डेविड जो है वो अपने साथ वाली एक विद्यार्थी जो थी, ठीक है, लड़की जो थी, उसे पूछता है क्या तुम जानती हो कि हमारे हमारा झंडा जो है वो कैसा है? सुचि बोलती है अस्माकं ध्वजस्य देशस्य ध्वजः, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा जो है वो तिरंगा है। ठीक है, डेविड ने क्या पूछा? सुचे जानासि त्वं, सुचि क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कि हमारा झंडा कैसा है? तब सुचि बोलती है कि हाँ अस्माकं ध्वजस्य देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। अब सलीम उसमें से एक
अन्य विद्यार्थी जो होता है सलीम, वो पूछता है कि रुचि अयम त्रिवर्णा कथम, कि अरे रुचि वह तिरंगा क्यों है? भाई तिरंगा तो तुमने बोल दिया कि हमारे देश का झंडा जो है वो तिरंगा है, लेकिन वो तिरंगा क्यों है? रुचि बोलती है अस्मिन ध्वजे त्रय वर्णा संति, वर्णा मीन्स रंग, ठीक है। रुचि क्या बोलती है? अस्मिन ध्वजे, अस्मिन मीन्स इस ध्वज में, क्या बोलती है वो? अस्मिन ध्वजे, इस ध्वज में त्रय वर्णा संति, इस ध्वज में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णा, इसलिए यह तिरंगा है, ठीक है। उसने क्या बोला? रुचि ने बोला अस्मिन ध्वज, इस ध्वज में त्रय वर्णा संति, तीन रंग हैं, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि? अब रुचि ने पहले रुचि से प्रश्न किया था सलीम ने कि रुचि यह तिरंगा क्यों है, क्या तुम जानती हो कि भाई इसे तिरंगा क्यों बोलते हैं? ये किसने पूछा था बेटा? ये सलीम ने पूछा था। तो तुरंत रुचि ने जवाब दिया कि भाई इसमें तीन रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तो फिर उसने पुनः रुचि ने ही प्रश्न किया, क्या तुम इनके तीनों रंगों के विषय में जानते हो? क्या पूछा उसने? किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इनके तीनों रंगों के विषय में जानकारी रखते हो? सलीम बोला कि अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णा, अरे केशरीय रंग, हरा और सफेद, ये तीन रंग हैं, ठीक है। वही मैंने तुम्हें बोला ना कि जैसे ही पहले रुचि से प्रश्न किया सलीम ने प्रश्न किया कि अरे यह तिरंगा क्यों है, तो उसने बोला भाई इसमें तीन रंग हैं, इसलिए यह तिरंगा है। तब तुरंत रुचि ने उसे प्रश्न किया, रुचि को लगा अरे ये मुझसे ये बात पूछ रहा है कि भाई इसमें ये तिरंगा क्यों कहा जाता है इसे। तब उसने जवाब दिया कि भाई इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन रंग हैं। तुरंत उसने दोबारा उसको क्या कहा कि किसने? रुचि ने उसे प्रश्न किया, क्या तुम इसके तीनों रंगों के विषय में जानते हो? तब सलीम ने कहा अरे केसरिया वर्ण, केसरी रंग, सफेद और हरा, ये तीन रंग हैं। अब देवेश ने, एक नया लड़का है देवेश, उसने पूछा अस्माकम ध्वजे, अस्माकम ध्वजे मीन्स इस ध्वज में, क्या बोला उसने? अस्माकम ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे इस ध्वज में, हमारे इस झंडे में जो तीन रंग हैं वो हमें किस बात की सूचना देते हैं? क्या बोला उसने कि भाई हमारे झंडे में जो तीन रंग हैं वो हमें किस बात की सूचना देते हैं? सलीम बोला कि श्रुणु, सुनो, केसर वर्ण सौरस्य, केसर या रंग जो है, केसर या रंग तुम लोगों को पता है ऑरेंज रंग होता है, वो किसका? ऊर्जा का, ठीक है। तो क्या बोला उसने? सुनो केसर या केसर वर्ण सौरस्य, केसर या रंग जो है सौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग जो है, सफेद रंग जो है सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो समृद्धि सूचक है, हमारा हरा रंग जो है वो समृद्धि का सूचक है। सुचि बोलती है कि मैतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है? हाँ प्रनील, विकास का सूचक, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सुचि ने क्या पूछा कि मैतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है? तो सुचि, किसने बोला फिर? नेक्स्ट डेविड ने बोला आम, आम का मतलब हाँ, कथम ना, क्यों नहीं, क्या बोला उसने? आम, हाँ ठीक है, आम मीन्स हाँ, कथम ना, क्यों नहीं, इसका और भी कोई महत्व है, उसने पूछा था जब। तो डेविड ने बोला आम हाँ, कथम ना, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरी स्थितः केशर वर्णः, ध्वज के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, केसरिया रंग जो है उसमें बोला था शौर्य का सूचक है, उसने बोला इसका और भी कोई महत्व है? तो उसने बोला भाई क्यों नहीं, जो ऊपर का जो केसरिया रंग है वो शौर्य का सूचक तो है ही, उसके अलावा त्याग और उत्साह का सूचक भी है, ठीक है। उसने बोला अन्य भी कोई महत्व है? तब उसने क्या बोला कि हाँ भाई
सौर्य का तो हमने बता ही दिया, लेकिन उसके अलावा किसका? उत्साह और त्याग का भी सूचक है। बीच में स्थित जो है सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। लेकिन हमने इससे पहले बोला था कि सत्य जो है, सत्य सफेद रंग जो है सत्य का प्रतीक है, लेकिन दूसरा जो है सात्विकता में शांति और पवित्रता, ईमानदारी पवित्रता, का प्रतीक है। ठीक है, पवित्रता, नीच का जो सफेद रंग है सात्विकताया मीन्स शांति और सुचिताया मीन्स सात्विकताया मीन्स ईमानदारी और किसका? पवित्रता का। उसने बोला नीचे स्थित हरा रंग जो है वो पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का प्रतीक है। उसमें बोला था ना पहले समृद्धि का प्रतीक है, पहले उसने बताया था कि हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन नेक्स्ट उसने बताया कि और भी जो रंग है वो हरा रंग जो है वसुंधराया मीन्स पृथ्वी की सुषमाया सुषमा व उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रणव ने बोला ओके। तेजिंदर बोलता है सुचे ध्वजस्य मध्ये एकः नील वर्णम चक्रे चक्रम वर्तते। अब तेजिंदर एक और लड़का जो है उसने बोला के सुचे सुचि ध्वजस्य मध्ये ध्वज के बीच में एकम एक नील वर्णम चक्रम वर्तते। क्या सुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी दिखाई देता है। सुचि बोली आम आम हाँ हाँ भाई सही बोल रहे हो, एक चक्र तो दिखाई देता है उसमें। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, पहले क्या तेजिंदर ने पूछा सुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते। उसने बोला कि भाई सुचि जो ध्वज के बीच में एक नीला चक्र भी है, नीले रंग का चक्र भी है। तो सुचि बोली आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, यह प्रगति और न्याय का सूचक है। जो अशोक चक्र जो है जो बीच में है, बीच में नीले रंग का जो चक्र है अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, और वो किसका? प्रगति और न्याय का सूचक है। नेक्स्ट उसने बोला सारनाथे अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ के अशोक स्तंभ, अशोक का जो स्तंभ है वहीं पर यह चक्र दिखाई देता है। तस्मात एव एतत् गृहीतम्, वहीं से इसे ग्रहण किया गया है। ठीक है, ये जो चक्र है वो किसमें? सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर है। जो ये चक्र हमें दिखाई देता है वो सारनाथ अशोक का, सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उस पर अंकित ये चक्र जो है अंकित है, और वहीं से इसे ग्रहण किया गया है या वहीं से इसे लिया गया है। प्रणव बोलता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा संति। क्या बोला उसने? किसने बोला? प्रणव ने बोला अस्मिन चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति अरा संति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अरा मीन्स तीलियां। ठीक है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में। क्या बोला उसने? भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में समग्र भारत ने अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को 47 को पूरी तरह से इस ध्वज को स्वीकार किया। ठीक है, क्या बोला? उसने बोला कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को पूरी तरीके से इस ध्वज को स्वीकार किया। तेजिंदर बोलता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रस्य च गौरवस्य च प्रतीकः।
ठीक है, तेजिंदर बोलता है अस्माकम त्रिवर्णहा, हमारा जो ये तिरंगा है वो क्या है, स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। हमारा जो तिरंगा है वो किसका प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर इसे फहराकर, फहराना जो है उत्साह पूर्वक इसे फहराया जाता है। ठीक है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर उत्साह पूर्वक इसे फहराया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, तेजिंदर ने बोलता है अस्माकम त्रिवर्णहा ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा जो है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, हमारा तिरंगा झंडा जो है वो स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को समारोह पूर्वकम भवति, समारोह का उत्साह पूर्वक से फहराया जाता है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो मैम, भागीरथ, भागीरथ कहाँ पे है बेटा, मैं चैट, तुम क्यों उससे बात कर रहे हो, बेटा तुम अपना ध्यान दो, ठीक है, ओके। जयतु त्रिवर्णहा जय ध्वजहा, तिरंगे की जय हो, जयतु भारतम भारत माता की जय हो। लास्ट में हमारा लिख रखा है जयतु त्रिवर्णहा, तिरंगे की जय हो, जयतु भारतम भारत माता की जय हो। नेक्स्ट बेटा हमारा पहला प्रश्न है इसी का, इसी पार्ट का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथन के समक्ष क्या है, शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथन के समक्ष ओके। ठीक है, समझ में आया मेरे को कि भागीरथ ने बोला है तुम्हें कि किसी ने उसे रिमूव कर दिया है, अब वो किसने रिमूव किया है वो खुद जाने वो, ठीक है। अस्माकम राष्ट्रस्य, पहला हमारा है शुद्ध कथनस्य समक्षम, शुद्ध कथन के सामने आम हाँ लिखना है, और अशुद्ध कथनस्य समक्षम और अशुद्ध कथन के समक्ष ना लिखना है, ठीक है। यानी सही के साम, जो सेंटेंस सही है उसके सामने आपको राइट लगाना है और जो गलत है उसके सामने रॉन्ग लगाना है, ठीक है। संस्कृत में हम लिखते हैं आम और ना, आम मीन्स सही और ना मीन्स नहीं, ना का मतलब तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें, ना का मतलब नहीं गलत और आम का मतलब सही, तो आप लोग राइट रॉन्ग भी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो सही गलत भी लिख सकते हो, और आप लोग चाहो तो पहला है हमारा अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजय त्रय वर्णा संति, हमारे राष्ट्र के ध्वज में, हमारा जो राष्ट्र का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, उसमें तीन रंग हैं, सही है या गलत है, आम, आम सही है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें तीन रंग हैं, यह सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ध्वजे हरित वर्णे शांते प्रतीक अस्ति, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब क्या हुआ इसका, ध्वजे हरित वर्णे हैं शांते प्रतीक अस्ति, क्या मतलब हुआ, ध्वज का हरा रंग जो है, ठीक है, ध्वज का हरा रंग शांति का प्रतीक है। हाँ,
ध्वज का हरा रंग जो है वह शांति का प्रतीक है। ठीक है, तो रॉन्ग है ना, शांति का प्रतीक नहीं है। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? शांति का प्रतीक सफेद। ठीक है, इसमें बोला है ध्वजे हरित वर्णः शांते प्रतीक अस्ति। ध्वज का हरा रंग जो है वो शांति का प्रतीक है? नहीं। ध्वज का हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, सफेद रंग है शांति का प्रतीक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ना। नेक्स्ट हमारा हो गया थर्ड वन। थर्ड वन है ध्वजे केशर वर्णः शक्तिया सूचक अस्ति। आम या ना? आम। आम क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? ध्वज का केसरिया रंग जो है क्या? ध्वज का केसरिया रंग जो है वो शक्ति का सूचक है। तो ठीक है ना, शक्ति का सूचक है तो सही है। शक्ति किसे? ऊर्जा। ऊर्जा भी हमने पढ़ा है, ऊर्जा मीन्स शौर्य शक्ति, ऊर्जा जो है, उत्साह जो है, वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हरे रंग के अंतर्गत। तो उसने बोला है ये केसरिया रंग के अंतर्गत, तो केसरिया रंग जो है शक्ति का सूचक है, ये हमारा करेक्ट है। तो इसमें क्या आएगा हमारा? आम। नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा चक्रे त्रिशत अरासंति। चक्रे त्रिशत अरासंति ना। आम ना। ना क्यों? ना क्या है? उसने क्या पूछा है तुमसे? पूछा क्या गया है बेटा? बोलो जोर से, क्यों नहीं बोल रहे बेटा? आवाज एकदम दबी हुई आ रही है, खुल के बोलो। इसका मतलब क्या है? चक्रे त्रिशत अरासंति, इसका मतलब क्या है बेटा? हाँ, चक्र में 30 तीलियां हैं, जबकि चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। चक्र में 24 तीलियां होती हैं, लेकिन 24 है। हाँ, चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जबकि इसमें रखा है कि चक्र में 30 तीलियां हैं। तो ये क्या है हमारा? ना। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह जाता है, लास्ट है चक्रम प्रगते द्योतम। चक्र जो है प्रगति का सूचक है। प्रगति का सूचक तो है ना बेटा? यस। ओके, हमें इसमें, हमने जो उसमें पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? चक्र हमारा किसका सूचक है? क्या पढ़ा था उसमें? प्रगति का सूचक। इसमें रखा था कि एक चक्र है जो प्रगति और न्याय का सूचक है, तो यहाँ पे हमें लिखा रखा है चक्र जो है प्रगति का सूचक है, तो ये हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं आम। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है कि उचित जो पद दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, संस्कृत शब्द जो दे रखे हैं, यहाँ आपको शब्द रूप दे रखे हैं कुछ, ठीक है, कुछ शब्द रूप दे रखे हैं, तो वो उसकी विभक्ति कौन सी है, और कौन सी विभक्ति और कौन से वचन के अंतर्गत वो शब्द आएंगे, उसके विषय में आपको देना है। ठीक है, पहला हमारा है समृद्धि। समृद्धि एक वचन, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। पहला जो है हमारा आएगा पष्टी और एक वचन। बालक के रूप पढ़ोगे उसमें आएगा लास्ट में षष्ठी विभक्ति में बालके, या बालकस्य भी आता है बेटा, है ना, कई बार बालकस्य भी आता है। तो हमारा ये कौन सा है? वो भी षष्ठी विभक्ति में आता है, ये हमारा है षष्ठी विभक्ति और वचन, एक वचन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्या है? वर्णा नाम। तो आपका बाल का नाम क्या है? हाँ, पष्टी बहुवचन बेटा, हमने इसमें पढ़ा है, इसमें शब्द दे रखा है वर्णा नाम।
जबकि हम वो बोलते हैं बाल बाल का नाम बालकेशु, बाल का नाम वो कौन से हैं? षष्ठी। और बालकेशु सप्तमी, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर वर्णा नाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति और कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन, वेरी गुड, बहुवचन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है उत्साहस्य। नेक्स्ट हमारा है उत्साहस्य षष्ठी, षष्ठी बहुवचन। वो पढ़ा है ना, बालकः बालकौ बालकः बालकम् बालकौ बालकां और बालकस्य। बाल सेकंड क्या है? बालकम् बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्याम, फिर बालकः, फिर बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। बेटा ये इसमें आता है बालकस्य, षष्ठी विभक्ति में आएगा हमारा षष्ठी विभक्ति। बालकस्य, बालकयो और बालकानाम, ये हमारा आया षष्ठी विभक्ति। एक वत एक एक वचन। नेक्स्ट हमारा है सात्विकताया। सात्विकताया स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पहले तो ये बताओ बेटा, ये स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में कौन सा स्त्रीलिंग है? हाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारा ये किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय विभक्ति एक वचन। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुवचन। बहुवचन कैसे आएगा बेटा? षष्ठी एक वचन, तृतीय विभक्ति आएगा। विभक्ति तो तीसरी आएगी लेकिन वचन में ये एक वचन आएगा या बहुवचन आएगा? एक मिनट, सात्विकताया एक वचन आना चाहिए लेकिन इसमें भी नहीं आएगा। एक मिनट बेटा, सात्विकताया कायदे से तो बेटा ये एक वचन ही आना चाहिए इसमें लिख। ठीक है इसको छोड़ो, वचन छोड़ो इसका, पहले क्लियर करेंगे बेटा उसके बाद इसको बताएंगे। ठीक है मैम। नेक्स्ट आपका आ गया प्राणानाम। प्राणानाम क्या है मैम? एक वचन षष्ठी। हाँ बेटा मुझे भी वही लग रहा है कि सात्विकताया जो है वो एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए, बहुवचन गलत है। नेक्स्ट हमारा है प्राणानाम, वो क्या है? बहुवचन। क्या बहुवचन? षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हमारा जो है प्राणानाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है बेटा। वो जो सात्विक आया है वो आपका तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा। ठीक है नेक्स्ट है हमारा सभायाम। सभा नाम नहीं है, नाम नहीं है, याम है, सभायाम है। और सभायाम कौन सी विभक्ति बेटा? सप्तमी। जो है हाँ सप्तमी, ये हमारा आएगा तृतीय विभक्ति सप्तमी। वो तो ठीक है, तृतीय विभक्ति इसमें आएगा एक वचन। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति ये कौन सा था? एक वचन। और लास्ट वाला कौन सा है? प्राणानाम। कुछ गलत हो रहा है बेटा इसमें, एक नागरिका ही रह गया ना। यस मैम, नागरिका ही रह गया। नागरिका ही क्या है? तृतीय नागरिका ही आपका तृतीय विभक्ति एक वचन है बेटा। तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है बहुवचन है, बहुवचन है। नागरिक ही जो है आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है। सात्विकताया आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन है, वो तृतीय विभक्ति एक वचन है। सॉरी सात्विकताया तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्राणानाम जो है हमारा
षष्ठी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और सभायाम जो है हमारा सप्तमी एक वचन है, लेकिन विभक्ति कौन सी है हमारी? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला हमारा प्रश्न है, अस्माकम ध्वजे कति वर्णा संति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? पहला हमारा प्रश्न है कि हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? अस्माकम ध्वजे त्रिवर्णे संति। हाँ, त्रयः वर्णा संति, हमारे ध्वज में तीन रंग हैं। तो हम लिखेंगे अस्माकम ध्वजा त्रयः वर्णा संति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, त्रिवर्ण है ध्वजः शक्तिः सूचकः का वर्णा, तिरंगे के झंडे में शक्ति का सूचक जो है वो कौन सा रंग है? तिरंगे झंडे में तिरंगे केसर का सूचक कौन सा है? कौन सा केसर? केसर वर्ण। केसर वर्ण जो है वो हमारा शक्ति का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अशोक चक्र चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र जो है किस चीज का द्योतक है? प्रगते है। अशोक चक्रम प्रगते, प्रगति का सूचक है। नेक्स्ट वन है हमारा घ वन जो रखा है वो रखा है त्रिवर्ण, ये हो गया त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, तिरंगा झंडा राष्ट्रीय गौरवस्य प्रतीक, गौरवस्य प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक पद में नहीं देकर एक वाक्य में उत्तर देना है। अभी आपने जो उत्तर दिए हैं वो एक पद में दिए हैं, अभी जो हमने उत्तर प्रश्न उत्तर किए हैं वो एक पद में किए हैं। अब हमें जो प्रश्न करने हैं वो एक वाक्य में करने हैं। पहला है हमारा, अशोक अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं, इसमें एक ही शब्द में आंसर दोगे, कस्य की जगह पे आप शांते सूचकः लिखोगे, पहले वाले में कस्य की जगह पे शांते सूचकः लिखोगे, यानी सात्विकता भी लिख सकते हो आप लोग, सात्विकता या सूचकः भी लिख सकते हो, या शांते सूचकः, अगर इजी लग रहा है तो शांते सूचकः लिख दो, अदरवाइज आप लोग सात्विकता या सूचकः भी लिख सकते हो। ठीक है, अशोक स्तंभ सारनाथ है, ये हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ पुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ पुत्र अस्ति, तो वहां पर पुत्र की जगह पे सिर्फ सारनाथ आएगा। हम एक वाक्य में लिखने की बात आ रही थी, लेकिन इसमें बेटा सारे प्रश्न आप लोगों को एक एक वर्ड में ही देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कस्य की जगह, पुत्र की जगह पे हमारा आएगा सारनाथ है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, अशोक स्तंभ पुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, तो अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ में। नेक्स्ट है हमारा, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, स्वतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे। ठीक है, वेरी गुड बेटा, तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है, तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कब, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्ति या च भवति। ठीक है, तिरंगे झंडे को का उत्तोलन, या बोल सकते हैं तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस, और लग रहा है इसलिए हम च पीछे लगाएंगे, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति, मीन्स स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर होता है। ठीक है, उसका उत्तोलन, उसको फहराया जाता है या उसको उठाया जाता है, कब, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर। आगे हमारा लिख रखा है, अशोक चक्रे कति अरा संति, चतुर्विशति अरा संति, अशोक चक्रम जो है चतुर्विशति अरा संति। बेटा इसके बाकी के जो दो प्रश्न हैं वो तुम लोग अपने आप करोगे या कराना पड़ेंगे? हम कर लेंगे। एक प्रश्न तुम्हारा ये है कि प्रश्नों के निर्माण करने में, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, है?
मैम आप हाँ अब आ रही है? हाँ यस मैम। क्या है? अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत, हमारा झंडा जो है विश्व विजयी हो या होगा, ठीक है, तिरंगा झंडा विश्व विजयी होगा। तो क्या, तो यहाँ पर अस्माकम कहा विश्व विजयी, पहले वाले में लिखेंगे हम लोग कहा, पहले वाले में लिखेंगे हम कहा, प्रश्न निर्माण में पहले वाले में कहा लिखेंगे। नेक्स्ट, स्वधर्मात् प्रमादं वयम् न कुर्याम, अपने धर्मादं किं वयम् न कुर्याम, उसमें आएगा कम या किम, कुछ भी लिख सकते हो बेटा आप लोग, कम या किम में से कुछ भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। सेकंड वन में आएगा कम या किम, तो कम लिख सकते हो या किम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है एतत् सर्वम् अस्माकम् नेत्राणाम् सद्बुद्धे सत्फलम्, हम सभी को नेतृत्व करने की यानी देश का नेतृत्व करने की सद्बुद्धि मिले, तो कस्या सत्फलम, कस्या आएगा नेक्स्ट वाले में, कस्या कस्या। और लास्ट वन हमारा दे रखा है के शत्रुणाम समक्ष विजय सुनिश्चितम भवे, शत्रुओं के केशम 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 वो समक्ष सामने शत्रुओं के समक्ष जो है हमारी विजय सुनिश्चित हो, तो किसके समक्ष, केशम, ठीक है केशम आएगा केशम। मैम मेरी अटेंडेंस है, मैम अटेंडेंस, हां बेटा अब ले रही हूं अटेंडेंस, ओके बाय, अटेंडेंस दे दो बेटा आप लोग। मैम मैं